अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है जी, वो वाला डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, लोगों के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने अच्छे से कम्युनिकेशन बना सकें, ठीक है, लोगों के साथ सही से सोशली इंटरेक्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एम्पथी कम होती है, ठीक है, रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस एम्पथी। एम्पथी क्या होता है कि आप सामने वाले बिहेवियर, सामने वाले के बिहेवियर को ऐसे ऑब्जर्व करें जैसे वो आपके साथ खुद हो रहा है, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जैसा वो आपसे चाह रहे होंगे कि आप मतलब एक्ट करें, बिहेव करें, आप वैसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि सामने वाला आपसे चाह क्या रहा है। जब एम्पथी कम होगी तो उसके बाद क्या होगा, सोशल कम्युनिकेशंस अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस अच्छी नहीं होंगी। इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है जी। रिसर्च ये भी बताती है दैट द इंडिविजुअल्स विद दिस डिसऑर्डर शो रिड्यूस्ड एक्टिविटी इन द मिरर न्यूरॉन सिस्टम। मिरर न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है कि आपके वो वाले न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, मिरर न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं जब आप किसी के बिहेवियर को देखते हैं, ठीक है, और आप ऐसा फील करते हैं कि वो वाला बिहेवियर आप परफॉर्म करें, ठीक है, किसी के साथ जो एक्शन हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पेन में देखते हैं और आप भी मतलब रोने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके मिरर न्यूरॉन्स रिलीज हो गए, ठीक है, वो एक्शन को मिरर कर लेते हैं कि हू बहू यही काम मेरे साथ हो रहा है। तो जब ये चीज़ कहाँ से होती है, एम्पथी की वजह से होती है कि आप ये फील करते हैं कि जैसे सामने वाला फील कर रहा है मैं भी वैसा फील कर रहा हूँ, तो फिर आपके न्यूरॉन्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की जब एम्पथी कम होती है तो शायद इनकी क्या होता है, मिरर न्यूरॉन सिस्टम में एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं दिस इज सिस्टम अंडरलाइज अकरेंस ऑफ एम्पथी, क्योंकि ये मिरर न्यूरॉन सिस्टम एम्पथी की वजह से अकर हो रहा होता है, इन लोगों में एम्पथी कम होती है तो मिरर न्यूरॉन सिस्टम में फंक्शनिंग कम होती है। एडिशनल रिसर्चेस हैव फाउंड दैट मिरर न्यूरॉन्स आर एक्टिव व्हेन इंडिविजुअल्स ऑब्जर्व अदर्स इमोशनल एक्सप्रेशंस बट नॉट फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है जी। मेन यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मिरर न्यूरॉन्स तब रिलीज होते हैं जब आप दूसरे के इमोशनल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, ठीक है। इमोशनल एक्सप्रेशंस को देखने से मिरर न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं, ना कि फेशियल मूवमेंट से। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को हंसते देखते हैं, ठीक है, सामने वाला हंसी जा रहा है, ये क्या है, उसके फेशियल मूवमेंट्स हैं। आपको नहीं पता कि वो क्यों खुश है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, इंसान वो पागल ही लगेगा ना, खामखा हंसी जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। हो सकता है आप हल्का सा स्माइल कर लें उसको देख के, लेकिन आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी जो उसे महसूस हो रही, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ठीक है, कि वो क्यों हंस रहा है, जस्ट आपको फेशियल मूवमेंट्स मिल रहे हैं। तो मिरर न्यूरॉन्स या एम्पथी वाला सिस्टम कुछ भी एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि वो इसलिए खुश हो रहा है कि उसने कोई अवार्ड अचीव किया, ठीक है, कोई उसको अवार्ड मिला है बड़ा सारा, तो जब आपको ये पता चलेगा और आप फील करेंगे कि अगर ये अवार्ड मुझे मिलता तो मैं भी कितना खुश होता, जितना ये खुश है शायद इससे भी ज़्यादा खुश होता, तो आप भी वो खुशी महसूस करेंगे, ठीक है। आपको उसके इमोशनल पता चलेगा कि वो कब से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था और आज उसको ये अचीवमेंट मिली है, इसलिए वो इमोशनली हैप्पी है, इसलिए वो हंस रहा है, इसलिए उसके फेस पर हैप्पी वाला मूड है, ठीक है। तो जब आपको उसके इमोशनल एक्सप्रेशंस पता चलेंगे, फिर ही आपके मिरर न्यूरॉन्स रिलीज होंगे, फिर ही आप एम्पथी फील करेंगे, ठीक है। तो मिरर न्यूरॉन्स या एम्पथी का ताल्लुक फेशियल मूवमेंट से नहीं है, इमोशनल एक्सप्रेशन से, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल च्यूइंग और स्नीजिंग दिस सजेस्ट दैट मोटर न्यूरॉन्स आर ट्यून, जिस तरह मतलब कोई इंसान वैसे ही कुछ चबा रहा हो या वो छींक रहा हो, ठीक है, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके कोई मिरर न्यूरॉन्स रिलीज नहीं होंगे, आप ऐसा नहीं फील करेंगे कि आप भी चबा रहे हैं या आप भी छींक रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट मोटर न्यूरॉन्स आर ट्यून टू अदर्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस, मतलब इमोशनल एक्सपीरियंसेस के साथ मोटर न्यूरॉन्स का ताल्लुक है और एम्पथी के साथ ताल्लुक है, ना कि फेशियल मूवमेंट्स के साथ, ठीक हो गया, मिरर न्यूरॉन्स का। दैट्स ऑल अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।